केंद्र सरकार ने पंजाब से मांगा पठानकोट आतंकी हमले में खर्च हुए 12 करोड़ रुपए। अकाली दल ने जताई आपत्ति, कहा आतंकवाद पंजाब की नहीं बल्कि देश की समस्या। करीब दो महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर पहुंचेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। हिंदू कॉलेज के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत, स्टूडेंट से होंगे रूबरू, बांटेंगे डिग्रियां। रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा के सर पर सजा खडूर साहिब का ताज। 65,664 वोटों से जीते ब्रह्मपुरा, बोले पंजाब सरकार के कामकाज पर लगी मुहर। खडूर साहिब में रविंद्र ब्रह्मपुरा की जीत पर अकाली कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अकाली कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए बांटी मिठाइयां। खडूर साहिब उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह बिट्टू को 17,416 वोट मिले। बिट्टू दूसरे नंबर पर रहे। खडूर साहिब उपचुनाव में 6 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। 2,052 मतदाताओं ने डोटा का इस्तेमाल किया। खडूर साहिब उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल की जीत पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने खुशी जाहिर की है। सीएम बादल ने कहा कि यह जीत शिरोमणि अकाली दल की 2017 की जीत की नींव है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जीत का सिलसिला 2017 में भी जारी रहेगा। शिरोमणि अकाली दल की खडूर साहिब जीत पर मनाए जा रहे जश्न पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निशाना साधा। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि सरकार मुद्दों पर फेल हुई। खडूर साहिब में शिरोमणि अकाली दल की जीत पर कांग्रेस ने लगाए धांधली के आरोप। इंद्र सिंह अजीत सिंह जीरा बोले चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई थी जाली वोटिंग। आम आदमी पार्टी ने कहा मैदान था खाली, नतीजों का 2017 के चुनावों पर नहीं पड़ेगा फर्क। पंजाब कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व सीएलपी लीडर सुनील जाखड़ ने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा खडूर साहिब में अकाली दल की जीत बेबारी है। जाखड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक बेअदबी मामले में ठोस कदम नहीं उठाया और सिक्की ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और अकाली दल जो है जीत का जश्न मना रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। पंजाब कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी ने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा। अंबिका सोनी ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को मालूम था कि खडूर साहिब उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इसीलिए उसके लिए ये जीत आसान थी। पंजाब सरकार राज्य के उन सभी पेंशन धारियों को 500 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है जिन्हें पहले सरकार 250 रुपए देती थी। पंजाब में करीब ऐसे 19 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें अब 250 की बजाय 500 रुपए पेंशन मिलेगी। जिला मुक्तसर के विधानसभा क्षेत्र लंबी में उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दौरा किया और लंबी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर सुखबीर बादल ने कहा कि आने वाले वक्त में पंजाब के हर गांव की गलियां सीसी फ्लोर होंगी। मानसा के जुनीर में अकाली दल बादल की यूथ विंग की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पार्टी के अध्यक्ष और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल शामिल हुए। रैली में सुखबीर बादल ने ऐलान किया कि सरकार पंजाब में 5,000 नौजवानों को खेलों में उत्साहित करने के लिए उनका पूरा खर्च उठाएगी। पंजाब कांग्रेस का लुधियाना में चला 2 दिवसीय दलित सम्मेलन संपन्न हो गया है। दूसरे दिन पंजाब कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद, सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। सुनील जाखड़ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में दलितों की कोई पूछ नहीं है। जाखड़ ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर दलितों के लिए कई तरह की स्कीमें शुरू की जाएंगी। पंजाब कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी की चेयरपर्सन अंबिका सोनी भी लुधियाना दलित सम्मेलन के दूसरे दिन मौजूद रही। अंबिका सोनी ने दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर दलित भाईचारे के लिए जो भी कहा गया है उसे पूरा किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाषा शैली सही करने की नसीहत दी है। छोटेपुर बोले, दिल्ली में भी कांग्रेस ने आपको नक्सलवादी कहा था, साल 2017 में देंगे जवाब। पंजाब में 2017 के मद्देनजर जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी में रोपड़ के समाजसेवी राजेंद्र सिंह परमार अपने साथियों समेत शामिल हुए और इस मौके पर आम आदमी पार्टी पंजाब के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर मौजूद रहे। छोटेपुर ने राजेंद्र सिंह का स्वागत किया। सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। हरिंदर सिंह खालसा ने केजरीवाल को लालची इंसान बताते हुए कहा कि वो पैसों के पीछे लगे हैं। सिखों पर बनने वाले चुटकुलों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट में डीएसजीएमसी को सुझाव देने के लिए 6 हफ्तों का दिया गया समय। याचिका में चुटकुलों को पब्लिश करने वाली वेबसाइट को बैन करने की रखी गई थी मांग। अबोहर कांड मामले में मुख्य आरोपी शिवलाल ढोडा की मां की ओर से लगाए गए नार्को टेस्ट की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि अबोहर कोर्ट ने शिवलाल ढोडा के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी थी। पंजाब के बहुचर्चित अबोहर हत्याकांड मामले में 26 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 26 में आरोपी का नाम अजय कुमार। अजनाला रोड पर बने मेन होल में लग रहे मटेरियल की वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। विजिलेंस के चीफ अधिकारी मौके पर पहुंचे। 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अपने अधिकारियों की बहाली को लेकर पंजाब वाटर सप्लाई सीवरेज एसोसिएशन ने धरना दिया और सस्पेंड अधिकारियों को बहाल करने की मांग की। आनंदपुर साहिब में एनएफएल के हजारों कर्मियों ने ट्रक यूनियन विवाद के चलते कई घंटे तक चंडीगढ़ ऊना हाईवे को जाम किया। ट्रक यूनियन के लोग रेलवे ट्रैक पर भी बैठे रहे। गौरतलब है कि एनएफएल को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। लुधियाना पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार में 3 महिलाएं एक युवक शामिल है। गिरोह में 5 दिन का एक नवजात भी बरामद हुआ है। पंजाब में प्राइवेट बसों का कहर थम नहीं रहा है। अब मुक्तसर में एक प्राइवेट बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और इस टक्कर में एक महिला की जान चली गई। हादसे के बाद प्राइवेट बस का ड्राइवर बस को लेकर फरार हो गया।